नमस्कार दोस्तों, IFC लिमिटेड के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.5% के क्लियर आपको तेजी दिखाई दे रही है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में के डोजी कैंडल बन रहा है, पिछले 4-5 दिन से लगातार स्टॉक में तेजी का मोमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक आपको क्लियर लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली एक वन डायरेक्शनल मोमेंट बना के स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह देख सकते हो स्टॉक बार बार अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी का मोमेंट बनेगा। तो हम थोड़ा सा आईएफएस शेयर को डिटेल में समझेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। जब हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो देखेंगे स्टॉक अब एग्जैक्ट लेके ऑफ ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, अब इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आ चुका है। तो सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल हमारे सामने दिखा रहा है 36 का दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर है 67 का, और 67 को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने हाई लगा 91 का। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जो कि 50 में दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर तो आप देख रहे हो स्टॉक जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो तेजी आएगा। जब तक स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं हुआ है तब तक स्टॉक यहाँ पर इसी ट्रेल लाइन को कंटिन्यू करेगा डाउन साइड में, राइट। अब यहाँ पे 4 दिन से जब बुलिस कैंडल बना रहे तो एक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, ब्रेकआउट करने की, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हुआ तब तक हमें कोई भी पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मन में कोई डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को अगर लाइक करें, आपकी छोटी सी लाइक मुझे इंकरेज करती है और भी अच्छे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। सो धन्यवाद।